राज्यसभा से पास ना हो पाए। बिल पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय तय किया गया है। बिल को लेकर राज्यसभा में जेडीयू और शिवसेना का रुख जो है वो बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि राज्यसभा में बिल पेश होने से पहले ही दोनों ही पार्टियों में अलग अलग सुर दिखने लगे हैं। राज्यसभा में बिल पास करवाने को लेकर बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है, ऐसे में बीजेपी को सहयोगी पार्टियों की जरूरत होगी। बिल पास करवाने और राज्यसभा में तय मानक से कम सदस्य होने के कारण बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर समर्थन को लेकर शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि शिवसेना तब तक बिल का समर्थन नहीं करेगी जब तक कि पार्टी की ओर से लोकसभा में उठाए गए सवालों का जवाब नहीं मिल जाता है। तो साफ तौर पर अगर आप स्थितियों की बात करेंगे तो लोकसभा से तो क्या पास हो गया है, मतलब सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है वो पास हो गया है, लेकिन अब जो अग्नि परीक्षा है वो राज्यसभा में है। इसे अग्नि परीक्षा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास पहले से ही बहुमत का आंकड़ा प्राप्त है, मतलब किसी भी बिल को पास करने के लिए बीजेपी को बहुत ज्यादा तकलीफ है, दिक्कत जो है वो लोकसभा में नहीं होने वाली है। जो परेशानी उसे होती है वो राज्यसभा में होती है। आपको याद होगा पिछली बार जब अनुच्छेद 370 और 35 हटाने को लेकर प्रस्ताव डाला गया था, बिल पेश किया गया था, तो उस दौरान ये कहा गया था कि राज्यसभा में अमित शाह ने खुद ये बात कही थी कि राज्यसभा में बिल पेश करने के दौरान मेरा मन घबराया हुआ था कि क्या हम इसे पास कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। वही स्थिति कुछ इस बिल में भी नजर आ रही। लोकसभा में क्योंकि बहुमत था तो पूरी तरीके से पास भी करवा लिया गया, 311 वोट से मिल गए, लेकिन अब जो स्थिति है वो आज के जटिल है। आज किससे जटिल है, क्योंकि बहुमत है नहीं और जो रुख है, जो राग है, वो अलग अलग अलापे जा रहे हैं। राग इसलिए कह रही हूं क्योंकि जेडीयू में नीतीश कुमार अगर समर्थन कर देते हैं तो उपाध्यक्ष नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि भैया आप अपने विचार करिए एक बार फिर से जिस पर आपने समर्थन दे दिया। वही अगर मैं शिवसेना की बात करूं तो शिवसेना क्लियर ही नहीं कर पा रही है कि वो समर्थन देना भी चाहती है, समर्थन नहीं देना चाहती है, क्योंकि अब वो कह रही कि हम समर्थन तो देंगे लेकिन कुछ शर्तें रखेंगे, शर्तें भी अलग। उसमें भी ये कहा गया है कि हम राज्यसभा में समर्थन तब देंगे जब लोकसभा में हमारे पूछे गए सवालों का जवाब अमित शाह दे देंगे। तो इन स्थितियों के बाद और लगातार हम कह रहे थे कि शिवसेना अभी बिल्कुल क्लियर होके ना तो बीजेपी का समर्थन कर पाएगी ना विरोध कर पाएगी, क्योंकि वो ऐसे पाले में जाके फंसी है कि अगर वो विरोध करती है बीजेपी का तो इसका नुकसान भी शिवसेना को उठाना पड़ेगा और इसका फायदा कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस उठा ले जाएगी, लेकिन अगर वो समर्थन करती है तो उसके सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। क्योंकि साफ तौर पर मैं अगर बात करूं, सिटीजन अमेंडमेंट बिल के पूर्णता विरोध में है कांग्रेस और एनसीपी। शिवसेना क्योंकि गठबंधन में इनकी सरकार तो बना ले गई, लेकिन अब यही फर्क होता है जिसे हम लगातार कह रहे हैं। विचारधाराओं की जब हम बात करते हैं तो यही विचारधाराएं होती हैं। एक विचारधारा कह रही है कि हाँ, क्योंकि वो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज है, बड़ी संख्या थी, 1-1.5% पे आके रुक गई है, तो उसे हिंदू समाज को समर्थन देना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। लेकिन एक दल जिसकी विचारधारा बिल्कुल इतर है, उसका कहना है कि भैया आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, आप धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, धर्म निरपेक्ष फैसला नहीं है, आप एक धर्म के साथ गलत कर रहे हैं, पर्टिकुलर धर्म को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर विचारधाराओं का मतभेद है जो खुलकर सामने आता है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि अच्छा है और आप उसको हमेशा से अच्छा कहते आए हैं और मैं हमेशा से कहूँ कि ये चीज़ बुरी है और हम दोनों साथ मिल जाएं, तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि वो चीज़ अच्छी है या वो चीज़ बुरी है। मेरे साथ मेरे दो मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं, उसके बाद इस खबर पर चर्चा करूंगी। अतुल मिश्रा जी हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी, बड़ा चैलेंज मैं कहूंगी अमित शाह के लिए, लोकसभा में तो पास हो गया, राज्यसभा में बहुमत तो है नहीं, और पास होने की स्थिति में भी जो विपक्षी दल है उनके रुख बिल्कुल अलग अलग है, क्या लगता है आपको? देखिए काव्या जी, लोकसभा में तो बीजेपी का पूर्ण बहुमत था, स्पष्ट 2/3 बहुमत की सरकार थी, उसने उसको पास करा लिया और उसके सहयोगी दलों ने भी, इवन जो शिवसेना भी उसका सहयोगी दल था जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, उसने भी एनकेएन प्रकरण कैसे न कैसे करके उनको समर्थन दिया। जी। अब सवाल यह है कि ये राज्यसभा में बिल को पास कराना इनके लिए, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, जिसके लिए इन्होंने 4 लोगों को लगा रखा है, भूपेंद्र यादव, आपके पीयूष गोयल जी, और 2 और लोग हैं जिनकी ड्यूटी लगा रखी गई है कि वो कई दलों से बात कर रहे हैं, कोई एडीएमके से बात कर रहा है, धर्मेंद्र प्रधान और एक और पीवी नरसिम्हा एक और है, तो 4 लोगों की ड्यूटी बीजेपी ने दल ने, राष्ट्रीय दल ने लगा रखी है जी। कि 4 लोग, उसमें एडीआईएमके से कोई बात कर रहा है तो कोई
मतलब अन्य दलों से बात कर रहा है, उनको मनाने का प्रयास कर रहा है जी। टोटल सदन में 238 मेंबर हैं जी जी जी, और दो मेंबर मनोनीत होते हैं, तो 240 का सदन है। अब 240 के सदन में बीजेपी को 121 की मेजोरिटी चाहिए जी, तभी यह बिल पास हो पाएगा जी। अब सवाल यह देखना है कि जैसे शिवसेना ने आंख दिखाना शुरू कर दिया है, जदयू ने भी, के भी पवन कुमार ने कल बयान दिया कि नीतीश कुमार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस पे ये जन विरोधी धारा सेक्शन 14 का अनुपालन नहीं कर रहा। उन्होंने ये तक कह दिया कि हमारे जो हमारा जो एक फाइल है जिसपे हम अपने पेपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसके फ्रंट पेज पे 3 बार धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और ये जो फैसला है ये पूर्णता किसी भी तरीके से धर्मनिरपेक्ष नहीं, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर एक समुदाय को टारगेट किया गया है। तो ये बात कहते हुए सब लोग अपने अपने वोट बैंक को देख रहे हैं, शिवसेना ये देख रही है कि शिवसेना की सरकार वहां पर कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से चल रही है। कांग्रेस ने भी कल जो है शिवसेना को चूड़ी भी कसी थी, शिवसेना को हड़काया भी था, मतलब उसका कहने का यह तात्पर्य है कि शिवसेना की चूड़ी कसी थी इनके समर्थन करने के बाद जी। तो इसलिए आज शिवसेना का स्टैंड बदल गया। संजय राउत भी ये बयान देते हैं कि हम लोग जो है मुद्दों के आधार पर इसमें समर्थन देंगे, इसमें हमारी बात वहां पर लोकसभा में जवाब नहीं दिया गया इसलिए हम समर्थन नहीं करेंगे। अब आप आइए कैसे ये बिल पास होगा, सवाल इस बात का है कि लोग समर्थन तो कर चुके हैं और शिवसेना एक देखिए राष्ट्रवादी पार्टी रही है और उसका हिंदुत्व उसका पुराना नारा रहा, तो अब कहीं ना कहीं ये देखिएगा आप कि ऐसा पूरी तरह संभावना है जिसकी संभावना दिख भी रही है कि ये लोग सदन से वॉकआउट कर जाएंगे, सदन से वॉकआउट कर जाएंगे, चाहे जदयू के सांसद हो चाहे शिवसेना के सांसद हो, ये लोग सदन से इस मुद्दे पे वॉकआउट कर जाएंगे जिसमें बीजेपी आसानी से इस मुद्दे को इस बिल को पास करा लेगी और 6 घंटे की बहस होनी है राज्यसभा में, 6 घंटे की बहस के बाद इसमें वोटिंग होनी है। तो ये चीज स्पष्ट आसान है, ऐसा कई बार हुआ है और बीजेपी ने इस तरह की चीजें करके अपने कई बिल पास करवाए जी। और बहुत लोगों ने जिनका समर्थन नहीं भी रहता था, इवन सपा का भी समर्थन नहीं रहता था, लेकिन अघोषित समर्थन बहुत बड़ी चीज है जी। कौन कब वॉकआउट कर जाए किस मुद्दे पे, तो ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से अमित शाह बहुत आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने उनके कंधों पे जिस तरह से इस बिल को पास कराने की जिम्मेदारी दे रखी है और लोकसभा में पास होने के बाद उनको जिस तरह से उन्होंने बहुत बधाइयां दी, तारीफ भी करी, तारीफ भी की, बधाई भी दी, और अमित शाह जिस तरह से वहां पर सदन में बोल रहे थे और नेता विपक्ष और जितने लोग हैं उनसे ये कह भी रहे थे कि आप सदन से वॉकआउट मत कर जाना, मेरी बात को सुनो और जो अगर उसमें मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो उस पर टीका टिप्पणी करिए और तर्क वितर्क करिए। तो 12:18 पे दिन में वो बिल पेश हुआ और रात को 12:09 पे उसकी वोटिंग हो गई, 12 घंटे बाद जी। 12 घंटे बाद उसकी वोटिंग हुई जिसमें 311-80 का बहुमत रहा, 3-3-1 पक्ष में थे और विपक्ष में 80 लोग थे, तो ये आंकड़ा रहा। तो अब राज्यसभा में इनकी चुनौती है, तो राज्यसभा में भी ये पास करा ले जाएंगे क्योंकि एक अच्छे रणनीतिकार हैं आपके अमित शाह जी, तो ये मान के चलिए कि ये बीजेपी इसको जाने नहीं देगी और नागरिक संशोधन बिल बहुत बीजेपी की एक राष्ट्रीय अस्मिता से लेके बीजेपी उसको मानती है, और बीजेपी ने तो भाई सिख ईसाई उसमें ईसाइयों को भी ले लिया है, अगर ये लोग जैसे कह रहे हैं उसमें ईसाई भी शामिल, सब मतलब सिख बौद्ध जैन और ईसाई हिंदू समाज की मैं अगर बात करूं हाँ। तो माइनॉरिटी को उन्होंने कहीं बिल्कुल कहीं पूरी तरीके से उनका ये कहना रहा है कि जो भारत के पड़ोसी देशों में जो लोग अल्पसंख्यक हैं उनको हम जो है प्रताड़ित होते नहीं हाँ। देख सकते, उसको भारत समर्थन देगा बिल्कुल। अतुल मिश्रा जी क्या कहेंगे, आज कहीं ना कहीं बड़ी परीक्षा है अमित शाह की, क्योंकि कंधे पर पूरा भार है किसी भी तरीके से बिल को पास करवाना है। बिल पास हुआ अभी केवल लोकसभा से है, लेकिन जश्न का माहौल भी देखने को मिला, बहुत से लोगों ने आश्वासन जताया कि हमें 45 साल हो गए भारत में रहते हुए लेकिन आज भी नागरिकता नहीं मिल पाई, तो हमें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, काफी खुशी भी लोगों ने जाहिर करी है, लेकिन विपक्ष का माहौल तो कुछ और नजर आ रहा है। देखिए काव्या जी, जी सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो हमारे सांसद सदस्य हैं ये लगता है संसद में दिमाग लेकर नहीं आते हैं, सीएबी और एनआरसी दोनों चीजें अलग अलग है बिल्कुल, ये सीएबी पर चर्चा हो रही है ना कि एनआरसी पर हो रही है, एनआरसी की चर्चा इसके बाद में की जाएगी जी। अब आप जनता को पूर्वोत्तर में बरगला रहे हैं, आसाम में, मिजोरम में और जगह पर, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, और जितने आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं सबको आप बरगला रहे हैं जी। और आप वहां पर क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो मेरा इन नेताओं से कहना यह है कि अमित शाह जी ने जैसे एक एक बात का जवाब दिया है और खुलकर जवाब दिया, उस बात को आप जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें।
कम से कम आदमी को समझ में आए सीएबी चीज है क्या। अतुल जी आपको लगता है कि वो पहुंचाएंगे? अगर नहीं नहीं वो वोटों की ऐसा नहीं हो सकता है कि काव्या जी को समझ नहीं है कि काव्या जी में और क्या फर्क क्या है। काव्या जी मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहूंगा, इन नेताओं से ज्यादा मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस चीज को जनता के बीच में परोस रहा है, क्लियर कर रहा है। तो इन नेताओं को तो खाली वोट की राजनीति है कि भाई हमारे वोट कहीं से चले ना जाएं। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें भी यही राजनीति चल रही है। अब आप आइए कि यहां पर लेकर चलिए कि भाई आपने एक बात कही, छेद जो जातियां हैं उसको इसमें लाया गया जी। पाकिस्तान को ले लीजिए, अफगानिस्तान को ले लीजिए, बांग्लादेश को ले लीजिए, इन्हीं तीनों को लेकर ठीक जी। आप देखिए हिंदुओं की क्या स्थिति है इन देशों में। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये देखिए 24% एक समय पर हिंदू हुआ करता था, जो आज 3.2% घटकर हो गया वहां पर। ये दयनीय स्थिति हो गई कि रात ये में आंकड़ा इसका भी कम हो चुका ठीक है। इससे भी कम हो गया, 1.6 हो चुका है। आप सोचिए तीन भी नहीं रहा, वो डेढ़ में खत्म हो गया। मैं वही बता रहा हूँ कि अब आप देखिए रात में जाते हैं, हिंदू लड़कियों को उठा लेते हैं, आप उनका धर्मांतरण कराते हैं, उसके बाद उनकी शादी करा देते हैं। इमरान खान जो पाकिस्तान में बैठ के बड़बड़ा रहा है, उसको ये समझना चाहिए कि ये हिंदुस्तान की राजनीति, आपको इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। आपकी कहीं से कोई आवश्यकता नहीं कि आपको, आपसे राय ली गई बगैर मांगे, किसी से राय नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखिए इसने यूएन तक अपनी बात को पहुंचाने का संयुक्त राष्ट्र संघ ने साफ कह दिया कि भाई मैं अभी इस पर अपना कोई भी विचार नहीं दे सकता, मैं अपने को सक्षम नहीं मान रहा हूं, ये भारत का आंतरिक मामला है। तो हर देश हर जगह से परेशान होता जा रहा है। अगर हिंदुस्तान ऐसा कर रहा है, अपने देश के बारे में सोच रहा है, अपने ये जो हमारा हिंदुस्तान तो गलत है, क्या है? गलत कहीं से भी नहीं है। और आप ये देखिए कम से कम 5.5 साल में कोई ऐसा व्यक्ति आया तो जो हिंदुस्तान की जनता के बारे में सोचना शुरू किया। आप सालों से हिंदू सेना पार करते हैं। अभी मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ कुवैत की। कुवैत में क्या हुआ कि समुद्र के किनारे शरणार्थी और ये घुसपैठिए गए, वहां पर इनको घुसने नहीं दिया गया। श्रीलंका ने क्या किया कि उसको तरस आया तो श्रीलंका ने उनको खाने के पैकेट दिए। 2 महीने तक ये लोग वहां पर पड़े रहे हैं, ये 2 महीने तक पड़े रहे, इनको घुसने नहीं दिया गया। तो क्या इमरान खान को ये नहीं नजर आता है? या हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, उनको नहीं नजर आता है? खाली हिंदुस्तान में कोई घुसता है तो नजर आता है? बिल्कुल इतर होगा, मेरा सवाल इससे बिल्कुल इतर होगा। पंकज जी, जब भारत और पाकिस्तान आपस में बटे थे, ये दो देश बने थे पहले, क्योंकि एक ही थे, उस दौरान संख्या बहुत ज्यादा थी। अल्पसंख्यक समाज की अगर बात करूं तो 13% से अधिक थे, 23% हम थे जब हम वहां गए थे। और आज की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो हम 1.5% से भी कम है, वो आधा परसेंट रह गई। बिल्कुल, अगर ये स्थिति है और इस दौरान नहीं लगा कभी पाकिस्तान को कि उसने मानवाधिकारों का हनन किया है, तो कल आखिरकार उसने क्यों मानवाधिकारों का रोना रोया? कि उसने ये कहा कि हमारे बीच का जो द्विपक्षीय बॉन्ड था आप उसको तोड़ रहे हैं, जो समझौता था आप रिश्तों को खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कब रिश्ते अच्छे किए हैं? बिल्कुल आपका कहना सही है, पाकिस्तान ने तो जबरदस्ती उन लोगों का धर्मांतरण कराया और उनको मुस्लिम बना, सब मुस्लिम जानते हैं। और उसके बाद कल वो मानवाधिकार दिवस पर कह रहा है कि मानवाधिकार का हनन भारत कर रहा है। और अफगानिस्तान में भी यही स्थिति रही, अफगानिस्तान में मात्र 500 हिंदू बचे, सोचिए, जबकि वहां पर गए थे तो 4 से 5 लाख की तादाद थी उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। और बांग्लादेश तो चूंकि बाद में बना। बिल्कुल पंकज जी, आपको यहाँ पर रोकूंगी, आप वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, तेरा सुतमा जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जबां की मौत से पहले, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए, जरा जोर से कहिए मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए। सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा।
देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब नाउ। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जबां की मौत से पहले। बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए, मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर। आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करूंगे। अयोध्या केस पर फैसले के बाद स्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने योगी सरकार की तारीफ की है। जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक खत लिखा है, वहीं इस खत में उन्होंने लिखा कि फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से पूरे मामले को हैंडल किया है वो काबिले तारीफ है। अपनी चिट्ठी में अजीत डोभाल ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की तारीफ की है। आपको बता दें कि पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी भी अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दौरान यूपी सरकार और पुलिस की चौकसी को लेकर तारीफ कर चुकी हैं। उन्होंने 28 नवंबर को कहा था कि यूपी पुलिस को इसके लिए मैग्सेस पुरस्कार मिलना चाहिए। साथ ही किरण बेदी लखनऊ में आयोजित 47वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस में कहा था उन्होंने कि उत्तर प्रदेश पुलिस तो वैसे ही सराहनीय कार्य करती है, लेकिन अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दौरान यूपी सरकार और पुलिस ने काफी बेहतर काम किया है और यूपी पुलिस को इसके लिए मैग्सेस पुरस्कार मिलना चाहिए, जबकि प्रयागराज कुंभ के सफल आयोजन पर यूपी पुलिस का पूरी दुनिया ने सम्मान बढ़ाता। तो साफ तौर पर ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस, अगर आप हर बार ये कहें कि बिल्कुल निरर्थक कार्य करते, तो ये भी हकीकत नहीं है। खुद किरण बेदी ने भी इस कार्य की तारीफ करी। बहुत बार ऐसा देखा गया है, एक बात हमेशा कही जाती है और कहीं ना कहीं बेहद सत्य है, अगर आपका राजा चाहता है कि वो चीज ना हो आपके राज्य में, वो नहीं हो सकती। हजार बार ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही और साफ तौर पर कही कि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दूंगा। और ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक फैसला में से कहूंगी, क्योंकि जब 2010 में मायावती के शासनकाल के दौरान भी फैसला आया था, उस दौरान मायावती ने भी इस प्रकार की कानून व्यवस्था बना दी थी कि कुछ कोई कहीं पर नाराजगी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो स्थिति देखने मिली यकीनन काबिले तारीफ है। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, उनसे इस खबर पर चर्चा कर लेती हूं। पंकज जी, ये हकीकत है कि काबिले तारीफ की पहल जो या कहूं योगी आदित्यनाथ की तरफ से करी गई या उनके प्रशासन की तरफ से करी गई, क्योंकि एक भी जगह पर कोई प्रदर्शन, कोई नाराजगी, कहीं गोलाबारी, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है, और योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान तो एक भी दंगा अभी तक देखने को नहीं मिला है। देखिए गावेल जी, 17 मार्च 2017 को योगी सरकार का गठन हुआ था, जी 3 साल होने को आ रहे हैं जी, और इस दौरान किसी प्रकार का पूरे प्रदेश में कोई अराजकता नहीं, कोई किसी प्रकार का दंगा नहीं, किसी प्रकार का नहीं। इस पे सरकार सफल रही है और सरकार ने इस पे कड़े अंकुश लगा के रखे कि जिस पे आपसी सौहार्द बना रहा हिंदू मुस्लिमों में, और किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ी इस सरकार की उपलब्धि है कि जिस तरह का योगी जी की देन कहा जाएगा, योगी जी का कड़ा प्रशासन कहा जाएगा, और योगी जी ने जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ भी जो है एनकाउंटर की कार्रवाई की, तो उसमें अपराधी भी धीरे धीरे अपने को जो है भागने लगे और अपराधियों ने भी अपना सर छुपाना शुरू कर दिया। तो ये योगी सरकार की है, या तो कल्याण सिंह के रिजिम में हुआ था, मुख्यमंत्री थे, और या फिर इनके रिजिम में हुआ, नहीं तो ऐसी घटना बहुत मुश्किल थी। जिस तरह से अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा था, तो उन्होंने अपराधों के ग्राफ पे अंकुश लगाने के लिए इस तरह की चीजें की और पुलिस को मुस्तैद किया। ठीक है, बहुत सी महिलाओं के प्रति घटना हो रही है और जिस तरह की चीजें हो रही, उसको भी सरकार ने समझने का प्रयास किया और उसको उन्नाव में जैसे बाढ़ आ गई, तो ये सब सारे दल कहने लगे कि ये रेप से रेप प्रदेश हो गया, वो इस तरह का हो गया, लेकिन उसके लिए भी सरकार तत्पर है। अभी सरकार ने कल देखिए एक नई योजना शुरू की है कि रात 10 बजे से 6 बजे तक जो है आपके महिला पुलिसकर्मियों के साथ 300 वैन मौजूद रहेंगे। असीम अरुण साहब उसके इंचार्ज बनाए गए, ADG महोदय, और ये चीज है कि आप जो है घर घर लोगों को पहुंचाएंगे। लेकिन पंकज जी, ये स्थितियां जो आज तक हुई है, चाहे वो आप प्रयागराज का कुंभ का मेला ले लीजिए, चाहे इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला 150 साल से जिसका इंतजार था, उसके बाद तो हर किसी को कयास था कि स्थिति सामान्य होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि दो ऐसे संप्रदाय जो हमेशा आपस में लड़ते नजर आते थे इन मसलों पर, वो एकदम शांत थे, उन पर सौहार्द की भावना नजर आई।
इससे कहीं ना कहीं हमें और आपको ये लगता है कि हमारी पुलिस प्रशासन में क्षमता बहुत है, वो हर चीज को रोक सकते हैं, बस प्रशासनिक अमले के ऊपर जो सरकारें बैठी हैं वो उन्हें इतनी ताकत दे दे कि आप अपने हिसाब से स्थिति को संभाल लीजिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रशासनिक अमले के पास, पुलिस के पास बहुत चीजें हैं और पुलिस के को इतने काम दे दिए जाते हैं। पहले तो देखिए काव्या जी, मैं इस डिबेट के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पुलिस वालों के काम के घंटे निर्धारित होने चाहिए। बिल्कुल, हर व्यक्ति का, हर जो सेवन पे कमीशन पा रहे हैं, चाहे सचिवालय में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे जहां हो, उनके काम के घंटे निर्धारित हैं कि 10 बजे जाएंगे, 5 बजे चल देंगे और सैटरडे संडे एक सेकेंड सैटरडे वो छुट्टी मनाते हैं। पुलिस के पास न कांस्टेबल की कोई कार्य के घंटे निर्धारित है, न इंस्पेक्टर का, न सब इंस्पेक्टर का, किसी का कोई, न सीओ का, न एसपी का, सबके 24 घंटे की ड्यूटी। तो इसमें इस तरह का वो बदलाव लाना चाहिए और इससे बहुत क्षमता में फर्क पड़ेगा। छुट्टियां भी नहीं होती उनकी, उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं। 12-12 घंटे वो ड्यूटी करते हैं तो वो भी इंसान है और वो भी जो है बहुत सी चीजों में पजल्ड हो जाते हैं। तो इसको भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ये चीज अगर जिस दिन पुलिस में कर दी गई तो आप देखिएगा कि पुलिस बहुत मुस्तैदी से और मुस्तैदी से कार्य करेगी। जी बिल्कुल अतुल जी, क्या कहेंगे, तारीफ योगी सरकार की करी गई है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है इतने बड़े फैसले के बाद स्थिति को सामान्य रख देना। काव्या जी, भय बिन होए ना प्रिय। जब भय आता है तो अपने आप आदमी के दिमाग में एक चीज आ जाती है कि हम इस तरीके का कोई कार्य ना करें जो हमारे लिए कष्टकारी हो। बिल्कुल, योगी जी ने इस चीज को दिखा दिया और अगर और कोई सरकारें देखना चाहें तो इस चीज से सीख भी सकती हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, योगी जी का जो डर था, एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, दूसरे नंबर पर अगर ये सरकार किसी और पार्टी की होती आप भी समझ रही होंगी तो पूरे प्रदेश में आग लग चुकी होती। उनको कोई प्रवोक करने वाला नहीं मिला, उनके जो नेता थे वो भी शांत बैठ गए क्योंकि उनको पहले बताया जा चुका था। ये क्लियर हो गया ना, योगी आदित्यनाथ ने बहुत बार इस बात को मेंशन भी किया, उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान अभी तक एक भी कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसी कोई घटना हो भी नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को पहले दंगों के लिए जाना जाता था। और उन्होंने बात ये कई बार कही है कि इस शासनकाल के दौरान अगर कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है तो इसका बिल्कुल साफ मतलब है कि पहले की सरकारें जानबूझकर दंगे करवाती थी। काव्या जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रदेश के मुखिया हमारे योगी जी हैं, पंकज जी ने भी ये बात कही कि सारी चीजें ठीक हैं लेकिन जो ये घटनाएं इधर हो रही हैं महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में, इन चीजों पर योगी जी को बहुत ध्यान देना चाहिए। बाकी इन्होंने सारे काम अच्छे किए, प्रशासन को टाइट करके रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस महकमे में किसी भी प्रकार का राजनीतिक करण नहीं करने दे रहे हैं कि किसी नेता का फोन आ जाए या किसी का फोन आ जाए तो पुलिस महकमा कहीं ना कहीं दबाव में रहता है कि उसके ऊपर भी कहीं किसी नेता का फोन आया उसको डिसीजन लेना पड़ता है क्योंकि उसके सामने उसकी नौकरी होती है, उसकी नौकरी पर हमेशा पुलिस प्रशासन एक ऐसा होता है जिसके ऊपर हमेशा नौकरी की तलवार लटका करती है। आप देखिए कभी उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, कभी उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, कभी पुलिस लाइन भेज दिया जाता है। तो पंकज जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि उनके लिए टाइम निर्धारित होना चाहिए कि वो अपनी जो सक्षमता है उसको जब टाइम निर्धारित होगा तो भी और बढ़ा सकते हैं और जनता को उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है, आप देखिए हमारे जो डीजीपी हैं प्रकाश सिंह जी, उनका एक क्रॉनिक डिसीजन रहा इस घटना को लेकर, अयोध्या वाले को लेकर। उसके बाद आप आइए हमारे शहर के एसएसपी हैं नैथानी जी, तो उन्होंने भी देखिए हर थाने को, हर सीए को, हर एक को एक तागीद की थी कि किसी भी प्रकार से लखनऊ में आप एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार लेकर चलेंगे और ना हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए और पुलिस वालों ने कोई किसी को गालियां नहीं बकी, ना किसी को मारा, उन्होंने उस चीज को प्यार से समझाया। और जाके चाहे सीओ हो आपके, चाहे इंस्पेक्टर हो आपके, चाहे छोटे स्तर पर पुलिस वाले हो और चाहे हमारे पैदल मार्च किया गया, गश्त हाँ, किया गया, बहुत मार्च किए गए, लोगों से अनुरोध किया गया कि जो सौहार्द की भावना से बनाए रखे, सार जो थे, जो लोग एक तरीके से मैं कह लूं प्रचारक के तौर पर जिनको हम लोग पहचानते हैं, जानते हैं, उन लोगों ने भी बारह के काव्या जी, मैं एक चीज की और तारीफ करना चाहूंगा कि देखिए 10 बजे से लेके 6 बजे तक ये बहुत बड़ा डिसीजन है मुखिया का, प्रदेश के मुखिया का, 10 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक महिला पुलिस द्वारा काउंसलिंग की जाएगी। अगर कोई कन्या या कोई स्त्री रात में अकेले घर जा रही है तो उसको घर तक डिस्पोज आप किया जाएगा। तो छोटा मोटा डिसीजन नहीं, लेकिन सरकार देखिए हर चीज को अच्छा समझती है, लेकिन हमारे बीच में भी कुछ ऐसे शैतान बैठे हैं जो उनको खराब करने की चेष्टा करेंगे। ये तो जी हम लगातार कहते हैं क्योंकि आप समाज में रहते तो कुछ लोग जरूर ऐसे आपके समाज के हिस्से में होंगे जो
एक तरीके से अराजक तत्व, जिसे मैं कह सकते हैं कि अराजक तत्व है, वो आएंगे और शैतानी करेंगे। उनका काम ही है कि कहीं शांति हो तो उसे किसी तरीके से भंग किया जाए, ये तो पहचान ही होती है उनकी। लेकिन नहीं, यही तो बात मैं काव्या जी कहना चाहता हूँ, भय बिन हो ना प्रीत। योगी जी ने इस चीज को समझा दिया है कि अगर वो कहीं ना कहीं लिबरल है तो कठोर भी है, डिसीजन पावर लेने में उनकी महारत हासिल है उनको, तो वो चीज को कह चुके हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि मैं आपको प्यार से भी समझा सकता हूं और हर तरीके से समझा सकता हूं। आपको याद होगा उन्नाव जेल का एक कांड था जिसमें कैदियों ने अपना शराब की बोतलें थी वो सब खा पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो उस पर इतना तगड़ा स्टेप लिया गया कि उसके बाद में देखिए उस जेल की स्थिति क्या बन गई है। तो ऐसा नहीं कि सरकार डिसीजन नहीं ले सकती, सरकार के हाथ में बहुत सी पावर होती है, लेकिन हाँ डिसीजन के साथ में हाँ ये जो प्रदेश के मुखिया हैं योगी जी, इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई कि हम डिसीजन तो लेते हैं लेकिन प्यार से लेते हैं, लेकिन आप ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा ना बढ़ें जो हमें सख्ती करनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब फैसला आया तो उस दौरान एक प्यार का रुख भी नजर आया, एक सख्त रुख भी नजर आया। उन्होंने विनम्रता से ये निवेदन भी किया कि सौहार्द बनाए रखें, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी ने उसे तोड़ने का प्रयास किया तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। यार छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आगे खबरों पर चर्चा करेंगे।